नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस के एक खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। आज जजमेंट डे है, यानी कि फैसले का दिन, और आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फैसले का दिन है और लगातार चली आप पांच राज्यों की आप देख रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव के नतीजे ये देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार घोषित होते जा रहे हैं। जो रुझान जो सामने आ रहे हैं वो अब नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। बहरहाल सभी चुनावी राज्यों में मतगणना लगातार जारी है और रुझान लगातार सामने भी आ रहे हैं, जो गुजरते वक्त के साथ अब नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस पर पांच चुनावी राज्यों की कुल 690 विधानसभा सीटों के ना सिर्फ आप सबसे तेज बल्कि सटीक नतीजे देख रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो पंजाब की 117, तो मणिपुर की 60 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसकी मतगणना लगातार आ रही है। जो अब रुझान जो आ रहे थे वो अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। आज मतगणना के साथ इन सभी प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला भी हो रहा है, जिन्होंने चुनाव लड़ा है। पांच चुनावी राज्यों में कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है और कई तो चुनाव भी हार गए हैं। और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, चलिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे रुख करते हैं और क्या कुछ वो बोल रहे हैं सुनते हैं। आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे, जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं, जितनी महिलाएं देख रही हैं, मेरी माँ बहनें देख रही हैं, जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यापारी देख रहे हैं, जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग, मैं जानता हूं जब आप देखते हो कि किस तरह से ये नेता और पार्टियां मिलकर देश को लूट रहे हैं, आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के खिलाफ, आप भी कुछ करना चाहते हो। आज समय आ गया है, पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब ये इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति, सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं, एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगो के। कौन है ये लाभ सिंह उगो के? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है, मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवन ज्योत कौर, उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। तो दोस्तों, आम आदमी बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो, ये जिस दिन खड़ा हो गया बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां आ जाएंगे। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ, अब इंकलाब लाना है देश के अंदर, समय आ गया है भारत का। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। सब लोगों को
सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इनकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीद 90 के पार सीट हो चुकी है, अभी तक अभी नतीजे और आ रहे हैं, इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है, इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। तो एक तो ये कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, हमें बदतमीजी नहीं करनी। ये लोग हमें गालियां देंगे, इन्होंने चुनाव में मेरे को कितनी गालियां दी, केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, केजरीवाल काला है, केजरीवाल अंग्रेज है, केजरीवाल पता नहीं क्या क्या आतंकवादी है। हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना, हमें इस देश की राजनीति बदलनी है। कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी, आपको मुबारक, मैंने स्वीकार ही नहीं की आपकी गाली। हमें प्यार और मोहब्बत की राजनीति लेके आनी है, हमें सेवा की राजनीति करनी है। कहीं कोई बीमार दिखे, कहीं कोई मुसीबत में दिखे, उसकी मदद करो, हमें सेवा की राजनीति करनी है। मैं अभी अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहा हूं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया था, उनका आशीर्वाद लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है, और भारत दुनिया का नंबर वन देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं सत्ता के संग्राम की। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से स्पोक पर्सन हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ गए हैं, सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र वर्मा जी, किस तरह से इन चुनावी नतीजों को, जो रुझान में अब धीरे धीरे जो रुझान आ रहे हैं, जो अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से यूपी में बाबा का बुलडोजर चला है, उसने यूपी में ये जो बाबा का बुलडोजर जो सरपट तरीके से दौड़ा है, अच्छो अच्छो का अतिक्रमण इसने तोड़ दिया है। राष्ट्रीय निश्चित रूप से संविधान और कानून सम्मत लोकतांत्रिक देश में ये सोचने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं बहुमत के लिए बधाई दूंगा, लोकतंत्र में जो जनता का जनादेश है वो हर रूप में स्वीकार है। निश्चित रूप से हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे, खासकर चार राज्यों में हमें उम्मीद थी, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, उत्तराखंड और पंजाब में, तो वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहे। लेकिन ये एक सवाल है रस जी कि बुलडोजर चलाना, एनकाउंटर करना, न्यायपालिका पर भरोसा करने के बजाय, न्याय का इंतजार करने के बजाय, इस प्रकार के जो संविधान और कानून के खिलाफ जो कदम है, और तमाम रैलियों में बुलडोजर दिखाकर, बुलडोजर रखकर क्या संदेश देना चाहते थे, यह भी एक सवाल है, निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है। जिस प्रकार से बड़े नेताओं का, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है लेकिन उनके मुख्यमंत्री वहां से हार रहे हैं, तो ये एक अलग सवाल है। लेकिन दूसरी बात, पंजाब आपका खुद का अपना प्रदेश था, हम अगर दूसरे प्रदेशों पे भी चर्चा ना करें, अगर हम सिर्फ पंजाब के ही सिनेरियो में अगर हम बात करें, तो पंजाब आपका खुद का प्रदेश था, जहाँ पे चलिए ठीक है, कैप्टन के जाने से आप लोगों को अगर फायदा हुआ, क्योंकि कैप्टन खुद जिस तरह से जो भी आप लोगों का जो इंटरनल मामला है, जो भी समीकरण, राजनीतिक समीकरण बैठे,
और बिसात पे एक दूसरे की बात सही तरीके से नहीं बैठ पाई, इसलिए कैप्टन का अलग होना, फिर चन्नी का सीएम बनना, उसके बाद छापा पड़ना, तमाम तरह के घटनाक्रम। एक वक्त था जब आप पंजाब में बहुत प्रोमिनेंट और स्ट्रांग पोजीशन में दिख रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही दलित चेहरे के तौर पे यहाँ पे आपने भी अपने कैंडिडेट को उतारा तो बाजी पलट गई, कहाँ चूक? कांग्रेस की लड़ाई रस्ती शुरू से ही, देखिए जो कांग्रेस की लड़ाई कभी सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है, केवल हमने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया है। और चन्नी जी का मुख्यमंत्री बनना, एक सामान्य परिवार से एक दलित परिवार के व्यक्ति का मुख्यमंत्री बनना जो है, वो कांग्रेस का जो सामाजिक न्याय का ही एक उदाहरण है। जिस प्रकार से तमाम पूरे देश में यही स्थिति है, कठुआ में, उन्नाव में, हाथरस में क्या हुआ, लखीमपुर खीरी में अपराधियों के समर्थन में खड़े हुए लोग एक पार्टी के, और ये पूरे देश में ये चिंता का विषय है। निश्चित रूप से संविधान और कानून के खिलाफ जो सत्ताधारी दल के लोगों का जो चरित्र सामने आया है, और उसके बारे उन्माद फैलाने का जो प्रयास, और एक वर्ग का डर दिखाकर बाकी लोगों में 80-20 का नारा देना, और इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, निश्चित रूप से आत्मचिंतन का विषय है। समीक्षा के बाद ही असल कारण सामने आएंगे, लेकिन रस्ती में फिर से यही कहना चाहूंगा कि पंजाब में जो चन्नी जी जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद परिस्थितियां तेजी से बदली, बड़े फैसले भी लिए गए, लेकिन उसका जो लाभ मिलना था, जो हमारी अपेक्षा थी, उसके अनुरूप परिणाम नहीं रहे। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूं। पंजाब में ग्राउंड जीरो पर जितनी मेहनत और जितना वर्कआउट कांग्रेस को करना चाहिए था ग्राउंड जीरो पर, उतनी मेहनत यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई, और आपसे ज्यादा यहाँ पे जो तैयारी है वो आपकी दिखी है, और आप चरणजीत सिंह चन्नी को एक ऐसे शख्स ने पटकनी दी है इस चुनाव में जो एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप को संचालित किया करते थे, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए। और कई दिग्गजों को ऐसे ही आपके ऐसे ही कैंडिडेट्स ने पटकनी दी है। राष्ट्रीय कहीं ना कहीं केवल चन्नी जी की बात नहीं है, पंजाब में तमाम बड़े लीडर चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए समीक्षा का विषय है कि गलती कहाँ हो गई, चूक कहाँ रह गई। हम अपनी बातों को, अपने वादों को जनता तक पहुंचाने में, उन्हें समझाने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, ये सच है, और इसको पूरी जिम्मेदारी से स्वीकारता हूं। लेकिन एक और उसका दूसरा पहलू है रस जी, जिस प्रकार से देश में, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनके दावों में भी 15 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल देने का ये दावा करते रहे, मतलब 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। जहां 24 करोड़ आबादी है रस जी, वहां 15 करोड़ से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, और कोविड के समय भी इलाज में सबसे बदहाल व्यवस्था यदि कहीं रही है तो उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा मौत ऑक्सीजन की कमी से वहां पर हुई। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव के समय में ये ध्रुवीकरण में ये कामयाब हुए, एक वर्ग का डर दिखाकर, और ये कह के कि हमारी सरकार ने बुलडोजर चलाया है, रैलियों में बुलडोजर रखना, और इस प्रकार के संविधान विरोधी, कानून विरोधी जो प्रोपोगेंडा फैलाया गया, और एक डर दिखाया गया कि ये अगर आएंगे हम दूसरी पार्टियां आएंगी तो ये आपसे लगातार चूक हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी से लगातार चूक हो रही है तो उस चूक को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा लगातार? अगर अगर हम अन्य राज्यों के बारे में भी बात करें, लगातार उसमें तब्दीली की बात की जा रही है तो वो तब्दीली भी नहीं की जा रही है। हर चीज आप लोग मतलब आला कमान पर छोड़ देते हैं। जिस तरह से पंजाब का जो रिजल्ट आया है, इस हार की जिम्मेदारी सिद्धू की या चन्नी की? देखिए ये तो सामूहिक उत्तरदायित्व है। हम कार्यकर्ता, नेता, सारे संगठन, और जो जहां सरकार है वहां सरकार के अमला और जो जो पदाधिकारी हमारे मंत्री हैं। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ, सत्ता और डिबेट कंटिन्यू है, मैं आपको सिर्फ रोक रही हूँ, इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से स्पोक पर्सन है दुर्गेश केशवानी जी, उन्होंने भी डिबेट को ज्वाइन कर लिया है। केशवानी जी, दुर्गेश जी बहुत स्वागत है जी, नमस्कार। सुबह कल से ही लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए थे आप लोगों ने, और खुशी जब से एग्जिट पोल आए तब से ही देखने को मिल रही थी, जो अब एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से जीत जब भी होती है रश्क जी, तो एक दायित्व का बोध कराती है। हमारी डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से
जो केंद्र की जन कल्याण की योजनाएं थी, प्रदेश की जन कल्याण की योजना थी, माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है उस पर जनता ने मोहर लगाई है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है उसको लेकर हम जनता के बीच में थे। निश्चित ही जो जो काम योगी जी ने किए, अन्य राज्यों में अन्य हमारी सरकारों ने किए, जो मूल मंत्र है गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी सब जगह केंद्र की, चाहे देख लें जो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, उज्ज्वला को लेकर हो, अनेकों अनेक की योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना हो, इन सब योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में थे और निश्चित रूप से हमें जो आशीर्वाद दिया है वह निश्चित हमें अपने दायित्वों का बोध करा रहा है कि और हम कैसे अपने प्रदेश देश की जनता, जो चार राज्यों की देश की जनता और चार राज्यों की जो जनता है उसके लिए हम कैसे अच्छा और कर पाए, कैसे और सेवा कर पाए। और निश्चित रूप से जो माननीय मोदी जी का जो विजन था और जो कार्य किए थे, चाहे कोरोना काल 1 हो, 2 हो, 3 हो, वैक्सीनेशन ड्राइव हो, अनेकों अनेक चीजों को लेकर जब हम बीच में थे तो जब आप जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, उनके कष्ट में जब आप खड़े होते हो तो निश्चित ही जनता उसको आशीर्वाद स्वरूप ही मत देती है। और वही आशीर्वाद दुर्गेश जी दिख रहा है और स्वराज एक्सप्रेस भी वो जो आशीर्वाद जनता ने आपको दिया है वो स्वराज एक्सप्रेस की टेलीविजन स्क्रीन पर भी तमाम दर्शक देख रहे हैं। टैली इस वक्त है बीजेपी, हम उत्तर प्रदेश में रिजल्ट देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहे हैं, हम अन्य राज्यों में भी देख रहे हैं, लेकिन पंजाब में क्या हो गया है? बीजेपी ने तो पंजाब में बहुत जोर लगाया, बहुत कोशिश की हुई थी, डबल डिजिट भी यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाई, और जिस तरह से अमरिंदर को भी साधने की कोशिश, कैप्टन को भी साधने की कोशिश की गई, तो कैप्टन का भी चेहरा बीजेपी के लिए काम नहीं आया। देखिए रश्क जी, हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है और हम पूरी कोशिश हमारे सभी लोगों ने की, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, सब प्रत्येक कार्यकर्ता, जो भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को इसी गंभीरता से ही लड़ती है। जनता ने वहाँ पे जो जनमत है वो चीज नहीं हुई तो निश्चित रूप से जिनसे जो हार मिलती है वो सबक देती है, उसकी समीक्षा की जाती है और ताकत से हम कैसे आगे बढ़े, ये हमें निश्चित रूप से उस चीज की ओर वो बढ़ाती है और हम उसमें चीज में आगे बढ़कर उस चीज से सबक लेकर हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से हम पंजाब में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसकी प्रदर्शन की उम्मीद थी, पर ये हम पहली बार पंजाब में अकेले चुनाव लड़े, हमारा वोट प्रतिशत भी अभी भी अच्छा है, जल्द ही पंजाब में भी हम सफलता हासिल करेंगे। अब तो जल्द ही तो 5 साल बाद आएंगे, लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव ही ग्राउंड लेवल पे और 24/7 365 दिन जनता की सेवा करते हैं और अभी भी निश्चित अगर हम हारे हैं तो भी हम जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में सदैव ही भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा रहता है। दुर्गेश जी, जिस तरह से पंजाब में एक और विकल्प खड़ा हो गया, हमने वो विकल्प हमने दिल्ली में देखा है जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई, दिल्ली होते होते अन्य राज्यों में भी और पंजाब में भी अब ये विकल्प आपके तौर पर खड़ा हो गया है। पंजाब में ये जो आपको ये जो जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, क्योंकि ईयर एंड में बीजेपी शासित राज्य गुजरात में चुनाव है, तो आपको नहीं लगता कि खतरे की घंटी है जिस तरह से यहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री यहाँ पे आपको मिली है? से मैंने बताया जो जो जो, जो हार मिलती है उसकी समीक्षा की जाती है और उस समीक्षा से हम सबक लेके आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से जो गलतियां हुई होंगी, जो उनको समीक्षा के माध्यम से सामने आएंगी, उनको भविष्य में पुनर उनको नहीं दोहराएं, उस पर हम काम करेंगे। ठीक, मेरे साथ यहाँ पे सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे सुरेंद्र जी, आपने दुर्गेश जी को तो सुना ही होगा कि वो अपनी हार से सीख लेकर चीजों को आगे बढ़ाने और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। लेकिन चुनाव दर चुनाव जिस तरह से जो हार का सामना कांग्रेस पार्टी करती आ रही है, आपसी गुटबाजी, छोटे छोटे गुटों में कांग्रेस का बढ़ जाना, जिस तरह से जो फैसला भूपेश बघेल जब पीसीसी चीफ हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, जब एक बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला लिया था कि जोगी एंड जोगी कंपनी को अलग कर दिया गया और प्रचंड बहुमत के साथ वो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, ऐसे ऐतिहासिक फैसले लेने से कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों बच रही है?
जिनसे खतरा है उनको दरकिनार क्यों नहीं करती, उनको लूप लाइन में क्यों नहीं डालती? रस्क जी, पार्टी के आंतरिक मामले अलग होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 7 साल में देश के भीतर राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, जो राजनीति का ट्रेंड बदला है, आपने भी देखा होगा कि इरादतन किस प्रकार से टारगेट करके दूसरी पार्टी के नेताओं पर संवैधानिक संस्थान सीबीआई आईटी ईडी का दुरुपयोग करके जो दलबदल कराया जाता है, मजबूर कर दिया गया, किस प्रकार से पहले भी पिछले चुनाव में आपको याद होगा गोवा में मणिपुर में कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार कैसे बनाया गया, आधी रात को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, भोर होने से पहले बिना बहुमत के व्यक्ति को मुख्यमंत्री का शपथ दिला दिया जाता है, राजभवन जैसे संस्थाओं को भी नहीं छोड़ी। एक तरफ देखिए जहां जहां भाजपा सरकार है और केंद्र की भी हम बात करें, असमानता बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन जब चुनाव आता है तो जानबूझकर इन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाता है। 80-20 का नारा, एक वर्ग के खिलाफ डर का माहौल पैदा करना, ऐसे मतलब ये जो कुत्सित प्रयास है निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के लिए संविधान के लिए एक सोचने का विषय है। रश्मि जी बिल्कुल ठीक है, देश के संविधान के लिए सोचने का विषय है, राजनीतिक पार्टी समीक्षा करती है। हाँ, लेकिन फिर भी सुरेंद्र जी, क्या राहुल गांधी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा रश्मि जी, जी 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 बात पूरी की, और मैं कहना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी मुख्य ऑब्जर्वर थे उत्तर प्रदेश में, लगातार उन्होंने मेहनत किया, पूरे के पूरे 403 सीटों पर हमारे कैंडिडेट थे, प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से लड़ा, जिस प्रकार से वहां सत्ताधारी दल लगातार हर मामले में अपराधियों के साथ खड़े मिले, चाहे कठुआ हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, लखीमपुर खीरी हो, कांग्रेस हमेशा पीड़ित और प्रताड़ितों का, जो लिंचिंग के मामले थे, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध थे, जो दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए, उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता पीड़ितों के पक्ष में खड़े रहे, और उनके अंदर देखिए प्रियंका जी ने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो उनके अंदर जोश भरने का काम, उनके अंदर लड़ने का जो मादा पैदा हुआ, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक उपलब्धि है। निश्चित रूप से हारे हैं, हार का सीख लेंगे और आगे जो है हताश नहीं है कांग्रेस का कार्यकर्ता। एक देखिए आपको, आप भी इस बात से विदित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना पड़ा कि 10 तारीख के बाद, दलीलें बहुत अच्छी लगती हैं चुनावी भाषण जब दिए जाते हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, जनता की नब्ज टटोलने में कहीं ना कहीं तो नाकाम रह गई? अगर जनता की नब्ज को टटोल लिया जाता तो शायद आज सिनेरियो कुछ और होता। हमने पूरे चुनावी कार्य दौरे में देखा कि लास्ट मोमेंट पर राहुल गांधी भी पहुंचते हैं। शायद हम अपनी बात जनता तक सही तरीके से रखने में, समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं पहले भी कहा, हताश नहीं है। जिस प्रकार से मोदी जी को ये कहना पड़ा कि 10 तारीख के बाद मैं गोबर खरीदी की व्यवस्था शुरू कराऊंगा, तो ये छत्तीसगढ़ मॉडल की उपलब्धि है, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि है, क्योंकि पूरे देश में ऐसा कोई दूसरा मॉडल नहीं है। नारा फेल क्यों हुआ सुरेंद्र जी? नारा फेल क्यों हुआ? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नारा फेल क्यों हुआ? बुलडोजर चलेगा हिट हो गया, लेकिन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ फेल हो गया, क्यों? देखिए एक प्रकार से मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो एक भ्रम का वातावरण, एक डर का वातावरण और उस प्रोपेगेंडा को फैलाने के पीछे जो पूरी मशीनरी लगाई गई, तो निश्चित रूप से उन्माद, डर और ये चीजें कहीं ना कहीं इस बार ठीक है, ये इसी डर को लेकर सवाल में दुर्गेश जी से भी कर लेती हूँ, लेकिन ठीक है, इसी डर को लेकर एक सवाल में दुर्गेश जी से भी कर लेती हूँ। दुर्गेश जी, 10 मार्च के बाद सबकी गर्मी निकल जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचों से, हर एक मंच से रैलियों में कहा हुआ था, कोई लिस्ट तो बनाई होगी सीएम ने, किस किस की गर्मी निकलेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही माफिया का सर कुचलने का काम करती है, और जिस तरह से माननीय योगी जी ने जो बुलडोजर चला, जो प्रदेश में जो प्रदेश कभी माफिया के नाम से, और जिस तरह से माफिया राज वहाँ बड़ा हुआ था, गुंडे आतंक चलाया करते थे, उन सबको अगर किसी ने कुचलने का काम किया तो योगी जी के बुलडोजर ने किया। निश्चित ही उसको जो पुलिस का, जो कानून का राज स्थापित करने का काम माननीय योगी जी ने किया, निश्चित ही जो भी
अवैध अवैध कामों में लिप्त हैं उत्तर प्रदेश में, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। मेरे एक और चलते चलते मेरे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, पंजाब के ही सिनेरियो में मैं आपसे पूछूंगी, अगर आप पंजाब में अकेले चुनाव लड़ते तो शायद इतनी दुर्गति नहीं होती, डबल डिजिट में आप लोग आ जाते, आप लोगों ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों नहीं लिया, कैप्टन का सहारा क्यों लिया? देखिए रश्क जी, पहले मेरी पूरी बात हो जान दीजिए, हमारे आप कांग्रेस के प्रवक्ता मुकर रहे हैं, ठीक है आप जवाब नहीं, मुकर नहीं रहा हूँ मैं, कहीं मुकर नहीं रहा हूँ मैं, उस पर भी बात करूंगा आपसे, पर मेरी पूरी बात तो आ जान दीजिए, जो मेरी बात को भी निश्चित रूप से जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी इतनी देर से बता रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोपरि होती है, जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही भविष्य तय करती है, उस जनता ने जनमत दिया है, उसका अपमान न करें यहाँ पे बैठ के, जो आप आरोप और आलोचनाओं के रथ पे सवार होके आपने चुनाव लड़ा, तो जनता ने आपको आईना दिखाने का काम किया, आप विकास की बात कहीं नहीं कर पाए, आपको विकास की बात करनी थी, आप जनता के हित में क्या करते, जनता को जनता के ऐसे जो जनता के बीच में जाके खड़े होने का काम करते, तो निश्चित ही जनता आपको आशीर्वाद। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। और रही बात, निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व तय करता है कि जो रणनीति बनती है, कहीं अगर हम चूके तो निश्चित रूप से रश्क जी आप इसको मानिएगा, पंजाब में भी हम जहाँ जहाँ जो भी सीट हम विधानसभा की लूज कर की है हमने, निश्चित रूप से उस पर समीक्षा की जाएगी, कर दी है, लेकिन ये लैंडस्लाइड, मेरा वही सवाल ये, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री आपको मिली है कहीं, क्योंकि एंड ईयर में, ईयर एंड में हम देख रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है, गुजरात बेहद महत्वपूर्ण है, कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं? देखिए गुजरात चुनाव है, निश्चित ही मैंने आपको कहा रश्क जी, हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है, हम पूरे दम से एक पार्षद से लेकर पार्लियामेंट्री तक के चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से पूरे दम से लड़ती है, हमारा संगठन हमारा कार्यकर्ता चट्टान के रूप में निश्चित रूप से खड़ा होकर अपने सभी कैंडिडेट के लिए काम करता है, कहीं कहीं जहां चूक हुई है उससे निश्चित रूप से सबक ली जाएगी, हम पांच राज्यों में से चार राज्यों पे हमें जनता ने जो जीत दी है हम उससे उत्साहित जरूर हैं, पर वो जीत हमें दायित्वों का भी बोध कराती है कि कैसे हम पंडित दीनदयाल जी के सपने को चरितार्थ करें, वाकई में उस सपने को किस तरह से चुनाव दर चुनाव पार्टी यहाँ पे साकार कर रही है वो जनता भी देख रही है, हालांकि चाहे कितना भी आपके द्वारा भी ये कह दिया जाए कि महंगाई तमाम चीजों का असर नहीं पड़ता, लेकिन असर पड़ता है, और इन तमाम चुनावों में किस तरह से हर एक राजनीतिक पार्टी ने क्या हथकंडा अपनाया है वो हर एक जनता जानती है, जनता जनार्दन है, उसने अपना मैंडेट दे दिया है, और साथ ही सुरेंद्र जी जिस तरह से माइनॉरिटी का जिक्र बार बार किया जाता है, माइनॉरिटी भी अब समझने लगी है कि कौन कितना हित साथ रहा है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए सुरेंद्र जी हमारे साथ, दुर्गेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सत्ता के संग्राम में लगातार ये खास पेशकश जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।